वीक 28 की बाघ टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं स्टार प्लस के सभी शोज ने इस हफ्ते कैसी रेटिंग्स हासिल की हैं। नंबर 11 पर आया है साथ निभाना साथिया सीजन 2, जिसने हासिल किए हैं 0.4 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते शो ने अपनी लोएस्ट रेटिंग्स हासिल की। नंबर 10 पर आया है आनंदीबा और एमिली, जिसने हासिल किए हैं 0.6 रेटिंग पॉइंट्स। इस कॉमेडी शो की रेटिंग्स में सफते 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 9 पर आया है कभी कभी इत्तेफाक से, जिसने हासिल किए हैं 1.1 रेटिंग पॉइंट्स। मनन जोशी ये शाहरुख खान स्टार, इस शो की रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया। नंबर 8 पर आया है पंडिया स्टोर, जिसने हासिल किए हैं 1.4 रेटिंग पॉइंट्स। इस मल्टी स्टार शो की रेटिंग्स में 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 7 पर आया है रविवार विद स्टार परिवार, जिसने हासिल किए हैं 1.5 रेटिंग पॉइंट्स। शो की रेटिंग्स में सिर्फ 0.2 की गिरावट आई है। नंबर 6 पर आया है इमली, जिसने हासिल किए हैं 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। सुम्बुल तौकीर खान स्टार, इस शो की रेटिंग्स में 0.2 की गिरावट आई है। नंबर 5 पर आया है बन्नी चाउ होम डिलीवरी, जिसने हासिल किए हैं 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते इस शो की रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया। नंबर 4 पर आया है गुम है किसी के प्यार में, जिसने हासिल किए हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस शो की रेटिंग्स भी सेम हैं। नंबर 3 पर आया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको मिले हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। और इस हफ्ते इस शो की रेटिंग्स में भी कोई बदलाव नहीं आया। नंबर 2 पर 2.2 रेटिंग्स के साथ है ये है चाहते, इस हफ्ते इस शो की रेटिंग्स भी सेम हैं। नंबर 1 पर आया है अनुपमा, जिसने हासिल किए हैं 3.0 रेटिंग पॉइंट्स। रूपाली गांगुली स्टार, इस शो की रेटिंग्स में भी इस हफ्ते कोई बदलाव नहीं आया। तो ये है वीक 28 की स्टार प्लस की बाघ टीआरपी। आपको स्टार प्लस का कौन सा शो पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। स्टूडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।